सिरोही से बड़ी खबर है। माउंट आबू के जंगलों में आग अचानक से लगी है। अंचलगढ़ वन क्षेत्र में आग लगी हुई है। मानव श्रृंखला बनाकर आग बुझाई जाती है। वन विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं तो कैसे पाया जाएगा आग पर काबू, ये बड़ा सवाल है। अंचलगढ़ वन क्षेत्र में आग लगी हुई है। मानव श्रृंखला बनाकर आग बुझाई जाती है। वन विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं लेकिन सवाल ये है कि आग पर काबू कैसे पाया जाएगा, काबू कौन पाएगा आग पर, क्योंकि वन कर्मी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लिए बैठे हैं, धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर आग बुझाई जाती है लेकिन वन कर्मी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, भीषण आग की खबर मिल रही है, ये बताइए क्या कितने एरिया में आग फैल चुकी है और फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए दीपिका, माउंट आबू का वन अपने आप में एक महत्व रखता है। ऐसे में जैसे ही अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धीरे धीरे गर्मियां बढ़ रही है तो माउंट आबू के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी कड़ी में आज देख सकते हैं तो अंचलगढ़ क्षेत्र है, माउंट आबू का जो ग्रामीण क्षेत्र है अंचलगढ़, वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर छायावेरा नाम से एक जगह है जहां पर भीषण आग लगने की जो जानकारी अभी मिल पा रही है उसके मुताबिक तकरीबन आधा किलोमीटर का जो एरिया बताया जा रहा है उसमें भीषण आग लगी हुई है एक तरफ। दूसरी तरफ आग लगने की घटना है तो दूसरी तरफ बात करें तो वन विभाग के जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दीपिका जो माउंट आबू वन्य क्षेत्र में जो आग लगी है उसे आग पर काबू पाने के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर खड़ी होगी क्योंकि कर्मचारी एक तरफ जो फायर फाइटर्स हैं ना वन विभाग के वे सभी धरने पर बैठे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने आग बुझाने को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी जरूर सामने खड़ी होती हुई नजर आएगी। वहीं अभी कुछ देर पहले हमारी DFO विजयपाल जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जाए। जो स्थानीय लोग जो माउंट आबू के हैं कहीं ना कहीं उनका सहयोग लेकर के माउंट आबू में ये छिपा यहाँ जो आग लगी है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने का प्रयास किया। उन्होंने अभी जस्ट हमें बताया कि तकरीबन 15 लोगों की टीम बनाई जा रही है और ये 15 लोग मिल करके कहीं ना कहीं इस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। जी दीपिका, ठीक है कमलेश, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।